नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। आगरा में आचार संहिता हटते ही पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। आगरा के डीसीपी सिटी सूरज राय ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है जिनकी शिकायत मिल रही थी। 16 पुलिसकर्मी वो हैं जिसपे आरोप है कि पासपोर्ट की रिपोर्ट लगाने के नाम पे पैसे लिए गए या डिमांड की गई। तो क्या कुछ है पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आगरा में आचार संहिता हटते ही पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। आगरा के डीसीपी सिटी सूरज राय ने तगड़ा एक्शन लिया है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने उन पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई की है जिनकी शिकायत मिल रही थी। फीडबैक सही नहीं मिल रहा था। 16 पुलिसकर्मी वो है जिसपे आरोप है कि पासपोर्ट की रिपोर्ट लगाने के नाम पे पैसे लिए गए या डिमांड की गई। आगरा में बीट पुलिस ऑफिसर स्कीम लागू है। पहले ही कहा गया था कि पासपोर्ट चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य रिपोर्ट के बदले किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं जाएगी, बल्कि लोगों का पूरी सुविधा के साथ काम किया जाएगा। लेकिन 16 पुलिसकर्मियों का फीडबैक जब पहुँचा तो उसके बाद कार्रवाई की गई। इसके साथ ही मुकदमे की विवेचना में लापरवाही, जांच में शिथिलता के साथ अनुशासनहीनता की रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने आदेश जारी कर कहा कि पुलिस की छवि को धूमिल कर वो जनमानस से लाभ लेने के चलते निलंबित किया जाता है। दरअसल पुलिस आयुक्त के जे रविंद्र गौड़ की फीडबैक सेल ने इन पुलिस कर्मियों को चिन्हित किया गया था, जिसके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। जब बीट पुलिस ऑफिसर बनाए गए थे तो कहा गया था कि आम जनमानस को लाभ पहुंचाना है, पासपोर्ट चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य की रिपोर्ट के बदले घूस नहीं लेना है। लेकिन फीडबैक 30 पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया। आगरा पुलिस विभाग में इतनी बड़ी कार्रवाई से खलबली मची हुई है। डीसीपी सिटी के आदेश पे 30 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, साथ ही तत्काल आदेश तामिल कराने को कहा गया है। पासपोर्ट रिपोर्ट चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य रिपोर्ट के बदले आम लोगों से लाभ लिया, पुलिस की छवि को धूमिल किया। बता दें कि 13 जून शाम सबसे पहले आगरा पुलिस कमिश्नरेट की पूर्वी जोन के डीसीपी अतुल शर्मा ने शमशदाबाद थाने में तैनात प्रशिक्षु एसआई मिनाली चौधरी और डोकी थाना में तैनात मुख्य आरक्षी सुबोध कुमार को निलंबित किया। दोनों पे पासपोर्ट सत्यापन और अनुशासनहीनता का आरोप है। वहीं पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन डीसीपी सोनम कुमार ने बताया कि 23 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।